गुड मॉर्निंग गाइस। सो आज का हमारा टॉपिक है आवर यूनिवर्स। सो लेट्स स्टडी इट। द यूनिवर्स, लुक एट द स्काई ऑन ए क्लियर नाइट। अगर हम रात को, किसी दिन साफ मौसम है उस दिन रात को अगर आसमान में देखते हैं, बिसाइड्स द मून यू सी अ नंबर ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स। अब जो चांद तो दिखता ही है, उसके अलावा बहुत सारे स्टार्स चमकते हुए दिखते हैं हमें रात में। स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस। स्टार्स होते क्या हैं, तारे क्या होते हैं? बड़ी बॉल होते हैं जो जिनके अंदर जलती हुई गैसेस भरी होती हैं। दे प्रोड्यूस देयर ऑन हीट एंड लाइट। उनकी खुद की हीट होती है और खुद की ही लाइट होती है। स्टार्स आर थाउजेंड टाइम बिगर देन आवर अर्थ, येट दे लुक वेरी स्मॉल। दिस इज बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द अर्थ। स्टार्स जो है, हमारी जो पृथ्वी है, कोई भी प्लेनेट है, उससे हज़ार गुना बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत छोटे दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पृथ्वी से वो है, बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, स्वर्ग में होते हैं, इसीलिए वो डिस्टेंस उनको स्मॉल दिखाता है। द सन इज़ द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ। सन भी एक स्टार है, सूर्य भी एक तारा है, लेकिन वो पृथ्वी के बिल्कुल पास में है। That is why it appears much bigger than the other stars. इसीलिए वो जितने भी और तारे हैं उनसे बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वो पृथ्वी के सबसे पास है। The sun gives us heat and light. Sun हमें क्या, सूर्य हमें क्या प्रोवाइड करता है? हीट और लाइट प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या होता है? This makes life possible on the earth. जिसके कारण क्या होता है? पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल है, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। वी सी अ फ्यू अदर बॉडीज। हम और अलग अलग बॉडीज देख सकते हैं आसमान में रात के समय पर। उन्हें क्या बोलते हैं? हम प्लैनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। ऑल दीज थिंग्स मेक्स अप द यूनिवर्स। इन सब चीज़ों से मिलकर, और जितनी भी बॉडीज होती हैं उनसे मिलकर क्या बनता है? हमारा यूनिवर्स बनता है। क्या बनता है? ब्रह्मांड बनता है। The universe includes the stars, planets, satellites, comets, asteroids and the space between them. Universe के अंदर क्या क्या होता है? बहुत सारा space होता है, stars होते हैं, planets होते हैं, satellites होते हैं, comets होते हैं and asteroids होते हैं. Let's see that. The solar system. जो solar system होता है उसके अंदर सारा universe के अंदर solar system होता है। सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं। लेट्स स्टडी दैट। द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन सोलर द प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स एंड अदर ह्यूमनली बॉडीज सच एज कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स। अब जो सोलर सिस्टम है हमारा, किस किस से मिलकर बना है? उसके अंदर सूर्य होता है। सूर्य के साथ साथ ये जो 8 प्लैनेट्स हैं ये होते हैं। इनके साथ साथ इनके बीच में घूम रहे होते हैं जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, वो होते हैं। अभी ये पिक्चर दी गई है, इसमें हम देख सकते हैं जो सन है, सन के बाद लाइन में 8 प्लैनेट्स होते हैं। हमारे टोटल प्लैनेट्स कितने हैं? 8 हैं, जिनको हम याद कर सकते हैं। मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, देन सैटर्न, उसके बाद यूरेनस एंड लास्ट नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट्स हैं। अब उसको हम याद कैसे कर सकते हैं? एम वैम जे सन, इस ट्रिक से हम इसको याद रख सकते हैं। एम वैम जे सन। एम से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, और एस यू एन सन, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस एंड एन से नेपच्यून। अब जो ये मार्स तक जो प्लैनेट होते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत ही चौड़ी बेल्ट होती है एस्ट्रॉइड्स की। किसकी? एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट होती है। और एस्ट्रॉइड होते क्या हैं? पत्थरों से बने हुए एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो। आगे हम देखते हैं वो। नाउ लेट्स स्टडी फर्दर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स आर हीवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन। प्लैनेट्स क्या होते हैं? स्वर्गीय बॉडी होते हैं। पहले प्लैनेट्स क्या होते हैं?
स्वर्गीय बॉडी होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं। दे डू नॉट हैव देयर लाइट ऑफ देयर ऑन, उनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, उनके पास उनकी खुद की लाइट नहीं होती है। वो लाइट कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। दे ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट, वो सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? लाइट को सिर्फ रिफ्लेक्ट करते हैं, जो उनके सैटेलाइट्स की वजह से होता है। अ प्लैनेट इज मच स्मॉलर देन ए स्टार, एक जो प्लैनेट होता है वो एक स्टार से बहुत ही छोटा होता है, एक स्टार से बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि जो प्लैनेट होता है स्टार उसके हजारों गुना होता है बड़ा। देयर आर 8 प्लैनेट्स, हमारे टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। ईच प्लैनेट मूव अराउंड द सन ऑन इट्स ऑन पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, हर एक जो प्लैनेट है सन के चारों ओर घूमता है, अपना उनका एक एक जगह एक पाथ निर्धारित किया गया है, एक मार्ग बना दिया गया है, उसे हम ऑर्बिट बोलते हैं। वो सिर्फ उसी पर ही घूर्णन करता है, उसी पर ही रिवॉल्व करता है वो, उसके अलावा वो अपना ऑर्बिट छोड़ के कहीं नहीं जाता है। द ऑर्बिट्स आर ओवल शेप्ड, ऑर्बिट जो है ओवल शेप के होते हैं, जिनके ऊपर जैसे अर्थ है, अर्थ का ऑर्बिट है ये इसके चारों ओर ऐसे ही घूमती रहती है सन के चारों ओर इसी वे में, ठीक है, सॉरी मून का ऑर्बिट है ये, इनका भी ओवल शेप में ही होता है। विद द सन एट देयर सेंटर, वो जो ऑर्बिट के चारों ओर घूमते हैं उसके सेंटर में क्या होता है? सन होता है। ईच प्लैनेट रिमेन इन इट्स ऑन ऑर्बिट, हर एक जो प्लैनेट है वो अपने ही ऑर्बिट पर रहता है, उससे बाहर वो कहीं नहीं जा सकता। द 8 प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जो 8 प्लैनेट हैं वो किसके अकॉर्डिंग है? ये सूर्य की दूरी से के अकॉर्डिंग है, जैसे हमने पीछे देखा था। लेट मी शो यू, जैसे हमने पीछे देखा, देखो ये रहा एम वैम जे सन, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सूर्य की दूरी से निर्धारित किए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स, इन प्लैनेट्स में है क्या क्या। मरकरी फर्स्ट हमारा प्लैनेट्स है, मरकरी। मरकरी में क्या आता है? मरकरी इज द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, मरकरी ऐसा ग्रह है जो सन के सबसे पास है, मरकरी ऐसा ग्रह है जो सूर्य के सबसे पास है। इट इज हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, ये दिन के समय तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात के समय बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और रात के समय बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है। इट मूव्स फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट, ये जो है जितने भी प्लैनेट हैं हमारे, इसके अलावा 7 और प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, उनके उनसे सबसे ज़्यादा तेज़ ये घूमता है। सेकंड प्लैनेट है हमारा वीनस, सेकंड प्लैनेट है वीनस। वीनस इज़ द ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट, वीनस जो है सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, उसको हम दिन का और शाम रात का तारा भी कहते हैं। एज इट इज सीन इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, क्योंकि वो सिर्फ सुबह और शाम को ही दिखता है। नेक्स्ट है हमारी पृथ्वी, अर्थ। अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नो टू कोल्ड, ना तो वो ज्यादा, हमारी पृथ्वी जो है ना तो वो ज्यादा ठंडी है ना ही ज्यादा गर्म है, उसमें संतुलन है। इट हैज वाटर एंड एयर दैट कंटेन्स ऑक्सीजन, इट इज़ द ओनली प्लैनेट विद लाइफ ऑन इट, जो पृथ्वी है उस पे पानी है, हवा है, जिसके अंदर ऑक्सीजन है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, जिसके कारण पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल है। ये इकलौता ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं मार्स। मार्स इज कवर्ड विद रेडिश सैंड एंड रॉक्स, मार्स जो है पूरा ढका हुआ है किससे? लाल मिट्टी और चट्टानों से। किससे घिरा ढका हुआ है? लाल मिट्टी और चट्टानों से। बिकॉज ऑफ इट्स रेडिश अपियरेंस, ये लाल दिखता है उनके कारण, क्योंकि उसमें लाल मिट्टी और रॉक्स हैं उनके कारण ये लाल दिखता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम?
रेड प्लेनेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है जुपिटर। जुपिटर के बारे में ज़्यादा कुछ इसमें दिया नहीं हुआ है, मैं अपने नोट से आपको पढ़ाऊंगी, अभी ये पढ़ लेते हैं। जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है। जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट बिकॉज ऑफ द स्पेक्टेंगुलर रिंग अराउंड सिस्टम अराउंड इट। सैटर्न जो है बहुत ही सुंदर ग्रह दिखता है क्योंकि इसके चारों ओर एक रिंग है। उस रिंग की वजह से, वो जो रिंग सिस्टम है उसकी वजह से ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। नेक्स्ट है यूरेनस। यूरेनस इज द सेकेंड फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। यूरेनस जो है सबसे लास्ट जो ग्रह है उससे एक पहले ग्रह है, सेकेंड फार्देस्ट प्लैनेट है सन सूर्य से, ये लास्ट सेकेंड है। नेपच्यून। नेक्स्ट है नेपच्यून। नेपच्यून ऐसा ग्रह है, नेपच्यून इज द प्लैनेट फार्देस्ट फ्रॉम द सन, जो सबसे दूर है सूर्य से। इसी कारण ये क्या है? इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट। इसी कारण क्या है? ये सबसे ठंडा ग्रह है। तो हमने ये पढ़े, इसको आप याद रख सकते हैं, एम वैम जे सन, ठीक है? ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या रीड करेंगे? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या होती है? सैटेलाइट, अ सैटेलाइट इज अ ह्यूमनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। सैटेलाइट क्या होता है? स्वर्गीय बॉडी होती है जो एक प्लैनेट के चारों ओर घूमती है। जैसे सूर्य के चारों ओर प्लैनेट घूमता है, वैसे प्लैनेट के चारों ओर उसकी सैटेलाइट घूमती है। उसकी सैटेलाइट घूमती है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो मून जो है, पृथ्वी की सैटेलाइट क्या है? चंद्रमा। मून, मून इसीलिए हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है अपने ऑर्बिट पर। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन। इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। इट शाइन्स बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। ये चमकता है क्योंकि इस ये रिफ्लेक्ट करता है सन की रेज को। हम देखते हैं कैसे। ये जो सन है, सन हम जिस साइड फेस, पृथ्वी का फेस, जब सूर्य की जो जो सा भी फेस सूर्य का, सूर्य की तरफ होता है पृथ्वी का, उस साइड तो डायरेक्ट रेज जाती हैं, लेकिन दूसरी साइड उस टाइम पे क्या होगी? ठंडी होगी क्योंकि इस साइड गर्मी है। तो वो जो सूर्य की किरणें हैं वो सैटेलाइट पर जाएंगी, सैटेलाइट से रिफ्लेक्ट होके वो पृथ्वी पर जाएंगी, जिस कारण वहाँ लाइट पहुँचती है, जिस कारण वहाँ लाइट पहुँचती है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड्स आर वेरी स्मॉल हीवनली बॉडीज। एस्ट्रॉइड बहुत ही छोटी स्वर्गीय बॉडी होते हैं, मेड अप ऑफ रॉक्स एंड दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो कि चट्टानों से बने हुए होते हैं। ये हीवनली बॉडीज चट्टानों से बनी हुई होती हैं, मेनली बिटवीन द ऑर्बिट मार्स एंड जुपिटर। मैंने बताया था आपको, जो ऑर्बिट है मार्स और जुपिटर का, उसके ये जो मार्स है और ये जुपिटर है, इनका जो ये ऑर्बिट है इसके बीच में एक पूरी बेल्ट होती है एस्ट्रोइड्स की। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमेट्स। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स आर ह्यूमनली बॉडीज दैट अपियर एज ब्राइट बॉल्स ऑफ लाइट। कॉमेट्स जो है स्वर्गीय पिंड होते हैं, जैसे जो ऐसे दिखते हैं, जिनके पास जो चमकती हुई बॉल होती है और उनके अंदर लाइट होती है, उसकी तरह दिखाई देते हैं आसमान में। उनकी एक चमकती हुई टेल भी होती है, एक पूंछ भी होती है। द टेल ऑफ ए कॉमेट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। जो पूंछ होती है इसकी, कॉमेट की, वो हमेशा सूर्य से दूर ही दिखती है। व्हेन यू लुक केयरफुली एट द स्काई, जब हम आसमान में देखते हैं, ध्यान से हम आसमान में देखते हैं रात के समय में, यू ऑब्जर्व दैट सम स्टार्स ओकर इन ग्रुप्स। हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, जो कि ग्रुप्स में होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप्स में होते हैं। दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार समटाइम्स फॉर्म शेप्स ऑफ एन एनिमल और ए पर्सन इन द स्काई। ये जो स्टार्स के ग्रुप होते हैं, ये बहुत बार हम देखते हैं, अगर आसमान में ध्यान से देखते हैं रात के समय लेट के छत पे,
तुम्हें दिखाई देता है वो कोई ना कोई शेप फॉर्म कर रहे होते हैं, या फिर किसी आदमी की, या फिर किसी जानवर की, या किसी वस्तु की, कैसे भी शेप। और जो वो ग्रुप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। इन द नॉर्थ, हम अगर नॉर्थ में देखें, यू फाइंड ए ग्रुप ऑफ सेवन स्टार्स। ये बहुत ही कॉमन है। एक नॉर्थ में अगर हम देखते हैं, एक ग्रुप होता है, सेवन स्टार्स का ग्रुप होता है। दे लुक लाइक सेवन डॉट्स। वो जो है उसमें सात डॉट्स दिखती हैं। ज्वाइन द डॉट्स इन द स्काई लाइक द गेम ऑफ ज्वाइन द डॉट्स। जो ज्वाइन द डॉट्स का गेम होता है, वैसे अगर हम उन डॉट्स को ज्वाइन करते हैं, उन डॉट्स को मिलाते हैं, तो द फिगर क्रिएटेड रिजेंबल द शेप ऑफ ए लार्ज सॉस पेन विद ए हैंडल। तो जो हमें फिगर मिलती है, अगर हम उन्हें ज्वाइन कर देते हैं डॉट्स को, तो हमें जो फिगर मिलती है वो एक सॉस पेन की तरह दिखती है, जिसका एक हैंडल होता है, जिसका एक हैंडल होता है। दिस ग्रुप ऑफ स्टार्स इज नोन एज सप्तऋषि और बिग डिपर। उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं या बिग डिपर कहते हैं। ओके या फिर हम उनको बोल सकते हैं सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन, जो यहाँ दिखाया गया है। ये जो सेवन डॉट्स हैं, इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ये एक फ्राई उसके सॉस पैन की तरह दिखाई देती है, या एक स्पून की तरह भी हम बोल सकते हैं। ओके द पोल स्टार और ध्रुव तारा इज ऑल्सो सीन इन द नॉर्थ। द पोजिशन ऑफ द स्टार्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। जो पोल स्टार होता है या ध्रुव तारा होता है, वो भी हमेशा नॉर्थ में ही दिखाई देता है, वो भी हमेशा नॉर्थ में दिखाई देता है। और उनकी जो पोजीशन है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। इनकी जो पोजीशन है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। दिस स्टार हैज सिंस लॉन्ग अगो हेल्प ट्रेवलर्स एंड सेलर्स टू फाइंड देयर वेज टू सीज एंड सैंड एंड लैंड। ये जो स्टार थे नॉर्थ, ये ध्रुव तारा जो है, पोल स्टार है, जो ये जो पहले के बहुत पहले के टाइम में, जब घड़ी नहीं होती थी हमारे पास, डायरेक्शंस का पता नहीं होता था, तो ट्रेवलर्स जो थे ना, उनको और जो सामान बेचने लाने जाते थे उनको हेल्प करते थे, जहाँ उन्हें जाना है वहाँ पहुँचाने में, उनको डायरेक्शंस दिखाने में ये हेल्प करते थे। ओके नेक्स्ट वी विल स्टडी स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस एक्सप्लोरेशन क्या होता है? द वास्ट एंड लिमिटलेस रीजन बियॉन्ड द अर्थ एटमोसफियर इज कॉल्ड स्पेस। एक बहुत ही फैला हुआ और लिमिटलेस रीजन, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, अर्थ एटमोसफियर के अलावा जो भी रीजन है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम स्पेस बोलते हैं। Nowadays, astronomers use space probes to study heavenly bodies. Pictures of space probes are given on the next page. अब जो है आज के टाइम पे एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, जिनको स्पेस प्रोब्स वगैरह बोलते हैं, उनको जो है वो स्पेस में पहुंचा देते हैं, जो वहां से पिक्चर्स क्लिक करके हमारे पास भेजते रहते हैं। मतलब साइंटिस्ट के पास आ जाते हैं वो पिक्चर्स, और वो हमें बताते हैं कि क्या क्या चल रहा है अभी हमारे स्पेस में, जो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। सी मैन हैज लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ मैनमेड सैटेलाइट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। आज का जो इंसान है वो बहुत आगे बढ़ गया है, और उस उन्होंने जो है हर एक चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढ लिया है, लगभग हर एक चीज़। साइंस आजकल बहुत ही आगे चल रही है। तो मैन हैज़ लॉन्च्ड अ नंबर ऑफ मैनमेड सैटेलाइट्स। अब आदमी जो है उसने मैनमेड सैटेलाइट्स बनाई हैं, बहुत सारी मैनमेड सैटेलाइट्स बनाई हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, और वो स्पेस में छोड़ दी गई हैं, जो एक जगह पे खड़ी होकर पिक्चर्स क्लिक करती रहती हैं और हमें सेंड करती रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बोलते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप जो है सबसे, ये ज़्यादातर चर्चा में रहता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप इज परमानेंटली स्टेशन इन आउटर स्पेस टू प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस हिमनली बॉडीज। अब जो हबल टेलीस्कोप है, हबल स्पेस टेलीस्कोप है, इसको हमने परमानेंटली स्पेस में रख दिया है, एक जगह खड़ा है ये, और वहाँ से फोटो क्लिक करके हमें सेंड करता रहता है, जिससे हमें पता चलता रहता है
कि जो ऊपर स्वर्गीय पिंड हैं उनमें क्या हलचल हो रही है। वोयागर स्पेसक्राफ्ट हैज सेंट फोटोग्राफ्स ऑफ ऑल द प्लैनेट्स टेकन फ्रॉम ए क्लोज रेंज। अब ये वोयागर स्पेसक्राफ्ट जो है इसने हमारे पास फोटोज भेजी हैं। किस चीज़ की फोटोज भेजी हैं? एक जो बिल्कुल पास से प्लैनेट्स की इसने फोटोग्राफ्स ली हैं वो हमारे पास भेजी हैं। और देख सकते हैं हम आर्यभट्टा स्पेसक्राफ्ट भी है, इनसेट सैटेलाइट भी है। अब नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड। अब जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं उनका यूज़ क्या होता है, उनको उपयोग क्यों करते हैं हम, किस लिए यूज़ करते हैं हम हमारी लाइफ में? तो फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए, वेदर का पता चल जाए इसीलिए हमें पता चल जाता है कि दो तीन दिन बाद बारिश होगी, इतने दिन तक बारिश होगी, इतने समय तक बारिश होगी। टू एनेबल अस टू वॉच टेलीविजन प्रोग्राम्स लाइव, ये हमें हेल्प करते हैं, हम टेलीविजन देख सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं। ब्रॉडकास्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, किसी भी हमारे पूरे विश्व के किसी भी कॉर्नर से हम जो देखना चाहें वो देख सकते हैं। किन की वजह से? सैटेलाइट्स की वजह से। टू मेक लॉन्ग डिस्टेंस फोन कॉल्स, कहीं से भी हम फोन कॉल कहीं पर भी कर सकते हैं सैटेलाइट्स की वजह से। ये बहुत सारे यूजेस हैं जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो थैंक यू गाइस, आज हमारे यूनिवर्स का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब मैं अगली वीडियो लेके आऊँगी नोट्स के साथ। थैंक यू।